हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीना राजीव ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। इधर मैं कितने दिन, बहुत दिनों से बीमार हूँ। मतलब मैंने 26 जनवरी को बोला था आप लोग को कि मैं बीमार हूँ। मैंने मिनी ब्लॉग डाला था बना के, तो उसमें भी बताया था मैं उसी टाइम से बीमार हूँ। मेरी तबीयत सही नहीं हो रही, मतलब मुझे ना ठंड लग गई है, और ठंड के कारण ना उधर मुझे पहले फीवर आया, और फीवर जब ठीक हो गया तो मुझे इतना तेज गले में दर्द वगैरह होने लगा और सिर में दर्द होने लगा। तो डॉक्टर से दिखाया तो बोले डॉक्टर कि ठंड लग गई है आपको। तो अभी तो फिलहाल मैं सही हूँ, पर उधर तो मेरी बहुत हालत ख़राब थी। पर डॉक्टर ने मुझे ना नहाने के लिए भी मना किया है, ठंडा सामान खाने के लिए भी मना किया है, बट मुझसे बिना नहाए रहा नहीं जाता है। मेरा मन ना अजीब सा होने लगता है अगर मैं नहाती नहीं हूँ तो मैं तो नहा लेती हूँ गर्म पानी करके, क्योंकि गर्म पानी से नहाने में मुझे नहीं लगता कि आई थिंक कोई प्रॉब्लम होगी। बट मेरे हस्बैंड मुझे बहुत डांटते हैं कि क्यों नहाती हो, तो मैं नहा लेती हूँ। मेरी ना सांस फूल रही है, देखिए, क्योंकि ना जुकाम और खांसी से मेरी हालत ख़राब है। मैं बाबू को देखिए हेलो करो तो अभी फ़िलहाल मैं नहा के आई हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया सिंदूर लगा के से, और खांसी भी हो रही है, बोला नहीं जा रहा। देखिए मेरा ना चेहरा काफ़ी ज़्यादा सूज गया है, बहुत ज़्यादा सूजन हो गई है। देखिए जुकाम की वजह से ना मेरा नाक भी छिल गया, ये आप लोग को दिख रहा होगा, इतना नाक बह रहा था कि पोछ पोछ के मैंने पूरा नाक छिल लिया, ये और ये सब छिल गया है मेरा नाक, और बहुत दुख रहा है। मम्मी तो, मम्मी मम्मी आओ चाची। हाँ तो अभी मैं जा रही थी, मतलब कि मेरे बाबू का, मैंने आप लोग को एक ब्लॉग दिखाया था पहले, डाला था काफ़ी दिन पहले कि मेरे बाबू का, मतलब वहाँ स्कूल में ले गए थे हम लोग एडमिशन के लिए। याद नहीं आ रहा, पता है माइंड से मुझे चक्कर भी आ रहे हैं ना। तो एडमिशन के लिए ले गए थे तो बाबू का उसमें सिलेक्शन हो गया। तो अब ना जो फॉर्म वगैरह और भी भरने हैं, तो उसमें एक फॉर्म होता है ना एडमिशन में कि मतलब बच्चे को यूनिफॉर्म, स्कूल का यूनिफॉर्म पहना के और फ़ोटो खींच के लगाना है। तो मैं बाबू को जा रही थी तैयार करने, क्योंकि कल इसका यूनिफॉर्म हम लाए एक ही, और एक जूता और स्कूल बैग, पानी बोतल, टिफ़िन बॉक्स अभी टोटली बाकी है, कुछ लिया नहीं है। बस ये ले लिया इसलिए क्योंकि बाबू का फ़ोटो खींचना है यूनिफॉर्म में, क्योंकि फॉर्म पे लगाना है। तो अभी मैं जा रही थी बाबू को रेडी करने, तो सोचा क्यों ना आप लोग के साथ मैं ये शेयर करूं। कल रात को मैंने ट्राई किया था ये ड्रेस, मेरे हस्बैंड कल रात में लेके आया ना, तो बोले कि ट्राई कर लो, कहीं लूज वगैरह होगा तो मैं मॉर्निंग में चेंज करके ले आऊँगा, क्योंकि कल स्कूल में फॉर्म हमें जमा करने हैं। तो उन्होंने बोला कि आज का टाइम है, आज सारे डॉक्यूमेंट इसके तैयार कर दूंगा, तो कल जाके बस जमा करने होंगे। तो कल मैंने रात को ट्राई किया था, तो मैंने उस टाइम व्लॉग नहीं बनाई क्योंकि मेरी हालत ना बहुत ख़राब थी। कल भी बहुत ख़राब थी, परसों भी थी। परसों तो मैंने ना सुबह खाना बनाया था ना शाम को खाना बनाया था, पूरे दिन भूखी थी। मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए थे तो रात में फिर वो उधर से आए, तो वो मैंने बोला मुझसे खाना नहीं बनेगा क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे, तो वो उधर से ही खाना लेते आए। बहुत हालत ख़राब हो रखी है मेरी, और देख आपको लग भी रहा होगा मेरी आवाज़ भारी, अभी भी ठीक नहीं हूँ, पता नहीं कब तक ठीक होंगी। 26 तारीख से ही बीमार हूँ यार, और अब तो मैं भी परेशान हो गई हूँ क्योंकि घर में कोई है नहीं अदर पर्सन, बस मैं ही हूँ और मेरा बाबू है और मेरे हस्बैंड है। तो मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं ना, तो बाबू को संभालने में ना बहुत ही प्रॉब्लम होती है मेरे को। मेरा जी होता है कि मैं आराम से सोऊं, पर बाबू मेरा, बच्चे तो होते ही हैं कि जो तंग करते हैं, तो ऐसे ही चल रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ फ़िलहाल इसकी फ़ोटो खींचूँगी यूनिफॉर्म पहना के, और आप लोग ना मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे,
आजकल पता नहीं क्या हो गया है यार, सपोर्ट कर दो, मैं भी किसी मजबूरी से ही ब्लॉग बनाती हूँ। आप लोग को मैं क्या ही बताऊँ, मतलब सब जैसे ब्लॉग में रोते हैं वो करते हैं, वो मेरे से नहीं होता है, क्योंकि सब ना हम एकदम वैसे वाले ब्लॉगर नहीं है कि कुछ भी हो ऐसी चीज़ें तो हम उस समय कैमरा उठा के और कैमरे के सामने करने लगे, मेरे से नहीं होता है। तो यार हमें भी बहुत सारी चीज़ें वो हैंगी, और मेरे घर में तो यार किसी भी तरह का कोई वो नहीं है सुविधा का संवारना, कि जैसे कि मैं क्या ही बोलो यार, छोड़ो। बट आप ना प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो यार, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे आजकल। मेरे हस्बैंड की प्राइवेट जॉब हैगी और मुश्किल से वो 20 से 25 हज़ार की सैलरी उठाते हैं, तो मैं अपने मायके से हेल्प लेती हूँ और मेरे पापा करते हैं मुझे, जैसे कपड़ा वगैरह बनाना हो मम्मी, गया। मम्मी। हाँ यार छोड़ो यार, चलो तो मैं आप लोग को ना दिखाती हूँ मैं बाबू को यूनिफॉर्म पहना के, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा बाबू यूनिफॉर्म पहन लिया है, ये है इसकी पूरी यूनिफॉर्म। सूज भी बोल रहा था पहनने के लिए, तो मैंने दूसरे पहनाए, अभी लिए नहीं है स्कूल वाले, बट मोजे ले लिए। तो आप लोग बताइए कि मेरा बाबू कैसा लग रहा है। पासपोर्ट साइज खींचनी है, खींच के और मैं अपने हस्बैंड के मोबाइल पे भेज दूँगी, तो वो अपना निकलवा लेंगे और निकाल के फॉर्म वगैरह पे चिपका देंगे, क्योंकि ऑफिस में ही सारे फॉर्म हैं, वहीं चिपका के वहीं पे अपना दे आएंगे। तो शाम को आते टाइम निकलवा लेंगे, इसीलिए मैं जा रही हूँ। अभी उन्होंने कॉल करके बोला कि मुझे फ़ोटो वगैरह भेज दो कि मैं निकलवा लूँगा, क्योंकि वो बात बहुत जल्दी भूलते हैं, अगर मैंने नहीं भेजा ना तो वो भूल जाएंगे। नहीं तो आने के टाइम क्या होता है ना कि वो जब ऑफिस से निकलने वाले होते हैं तो एक बार वो मेरा व्हाट्सअप चेक करते हैं कि कुछ मैसेज तो नहीं की है, कुछ लाना तो नहीं है, कुछ करना तो नहीं है का। तो इसीलिए मैं व्हाट्सअप पे भेज दूँगी ना, तो वो चेक करेंगे तो उनको याद आ जाएगा, फिर वो अपना काम करके आएंगे, ये फ़ोटो वगैरह निकालेगा। तो फ्रेंड्स मैं फ़ोटो निकाल के आप लोगों से मिलती हूँ, सारी खींच के। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने फ़ोटो वगैरह तो खींच दिया और भिजवा दिया मैंने अपने हस्बैंड को, और अब कल क्या होगा ना कि आज जो डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार करने को बोले थे वो सारे तैयार करके और कल जाके बस जमा करना होगा, और मेरे बाबू का एडमिशन हो जाएगा, फिर ये अप्रैल से स्कूल जाएगा। मम्मी ये कौन है, ये मोजा? अब ये ड्रेस ना खोलने को कह रहा है, इसको पता चले कि अब काम हो गया मम्मा का। ये कौन है, ये चप्पा खोल दूं? हां ये कौन, ये चप्पा कौन है, ये मोजा कौन है? अच्छा चप्पा जू, इसे ना सूज बोलते हैं बेटा। मम्मी ये मोजा कौन है? मुझे भी खोल दो आपके। तो बाबू खोलने को कह रहा है सब, तो मैं खोल देती हूँ और मैं भी थोड़ा अपना हुलिया चेंज करती हूँ, क्योंकि मैं नहा के आई ना तुरंत, तो थोड़ा फिर उन्होंने बोला कि मुझे फ़ोटो वगैरह भेज दो, मैंने सोचा ना कि पहले फ़ोटो वगैरह भेज दो। नाश्ता कर लिया है मैंने, दवाई भी खा लिया है सिंदूर लगा के, क्योंकि नहाने के बाद सिंदूर लगा के ही खाते हैं। हाँ खोल ली, तो मैं नहा के और मैं अभी आप लोग से बात करती, मेरे सासू माँ का फ़ोन आ रहा है। तो फ्रेंड्स मेरी मम्मी जी का कॉल आ गया था, मतलब मेरी सासू माँ, मेरे बेटे की दादी। तो मैंने उनको कॉल किया था ना, तो उन्होंने उस टाइम उठाया नहीं था, मैं पूछने के लिए कर रही थी, क्योंकि वो ट्रैवल कर रही है ना अकेले, तो यही पूछना था कि आप घर पहुँच गए कि नहीं, तो बट वो पहुँच गई हैं। तो अब जा रही हूँ मैं बाबू का ड्रेस चेंज करूँगी, मैं थोड़ा अपना हुडिया चेंज करूँगी, और कल से मैंने वीडियो वगैरह नहीं डाला है, तो जा रही हूँ कुछ एडिट वगैरह करूँगी और उसके बाद फिर मैं वीडियो डालूँगी। और आप लोग प्लीज़ यार सपोर्ट करो, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, बहुत बुरा लग रहा है आजकल, मन भी नहीं होता ऐसे में वीडियो बनाने में यार। बड़े बड़े यूट्यूबर कुछ भी डाल देते हैं ना, तो उनके व्यू बहुत चले जाते हैं, हमारे तो जाते ही नहीं, इससे मन नहीं होता डालने का, पर फिर भी मेहनत करते रहते हैं,
क्या पता भगवान कब हमारी सुन ले और हमारी भी वीडियो चलने लगे। तो प्लीज़ पेरेंट्स, आप लोग के हाथ में हैं, आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, हमें चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे भी आगे बढ़ाओ। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, मैं जा रही हूँ थोड़ा बाबू का कपड़ा वगैरह चेंज करूँ, मैं भी थोड़ा बाल वाल बांधूँ अपने। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, तो गुड मॉर्निंग, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैंने अपने घर का सारा काम निपटा लिया है और नहा लिया है। और आप लोग को मुझे देख के लग ही रहा होगा कि अब मेरी तबीयत सही है। उस दिन ना क्या हुआ था कि मैंने बोला था कि मैं थोड़ी देर बाद आपको मिलती हूँ, बट मैं फिर बाद में ना मेरा मन नहीं हुआ, मेरा ये सिर, ये और मतलब ये पूरा सिर ही इतना दुख रहा था, इतना दुख रहा था, जैसे कि जुखाम ज़्यादा तेज़ था। तो मैंने दवाई खा ली और जब जुखाम बंद हो गया ना, तो ऐसे लग रहा था जैसे कि सब जगह ना कफ जम गए, ये गला उला सब ऐसा लग रहा था। तो फिर मैं दवाई वगैरह लेके आई और जैसे कि मैंने उस दिन बोला था कि अगले दिन मेरे बाबू को के स्कूल में जाना था, फॉर्म वगैरह जमा करना था, सो हमने कर दिया, बाबू का एडमिशन प्रॉपरली मतलब पूरा कंप्लीट हो गया। अब मेरा बाबू अप्रैल से जाएगा स्कूल, 1 अप्रैल से इन लोग के क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर हम लोग जाएंगे और मेरी तबीयत पूरी तरीके से सही है। पता, मैं कई दिन मतलब बहुत परेशान हो गई थी, तो इसीलिए मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बना रही थी, बट शॉर्ट वीडियो वगैरह मैं डाल दे रही थी अब एडिट करके जैसे तैसे, क्योंकि यूट्यूब पे कंटिन्यू रहना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर वैसे भी आजकल मेरे वीडियो पे व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर मैं वीडियो नहीं डालूँगी तो और कहीं डाउन ना हो जाए रिच, इसीलिए जैसे तैसे करके मैंने वीडियो अपलोड किए हैं शॉर्ट, बट आप लोग प्यार नहीं दिखा रहे हो। ना जाने क्या हो गया है आप लोगों को कि आप लोग अपना प्यार नहीं दिखा रहे हो। और आज सरस्वती पूजा भी है, तो आप सभी को हैप्पी सरस्वती पूजा, और वैलेंटाइन डे भी है, तो आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे। जो मतलब कि हम तो वैसे हैं कि हमारे हस्बैंड वैलेंटाइन डे, रोज़ डे, चॉकलेट डे कुछ नहीं मनाते यार, कुछ भी नहीं मनाते उन्होंने। और आज सरस्वती पूजा है, तो मतलब सुबह मेरे हस्बैंड भी नहा के पूजा वगैरह करके चले गए और मैंने भी मत्था टेक लिया मंदिर में सुबह नहा वहा के। और मतलब कि आज सरस्वती पूजा है, तो मैंने कल ही गाजर के हलवा बना लिया था, तो आज कुछ मीठा बनाया नहीं क्योंकि मीठा ऑलरेडी घर में है मेरे, इसीलिए। तो आई होप फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो न्यू है मेरे चैनल पे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, कि ताकि अगर मैं कोई भी अपनी वीडियो डालूँ नहीं तो आप लोग को नोटिफिकेशन जाए। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।